श्योपुर पुलिस ने विजयपुर से संदिग्ध हालातों में गायब हुए गल्ला व्यापारी के किसाल के बेटे लोकेंद्र गोयल को 36 घंटों की मेहनत के बाद खोज निकाला है। लापता युवक की तलाश में जुटी पुलिस की चार टीमों ने साइबर सेल की मदद से लापता युवक को शिवपुरी के भानगढ़ इलाके के एक ढाबे से बरामद किया है। देर रात विजयपुर पहुंचे SP आलोक कुमार सिंह ने युवक के मिलने के बाद उसे उसके परिजनों को सकुशल सुपुर्द किया। दरअसल शनिवार की सुबह अग्रा में रहने वाले गल्ला व्यापारी मातादीन गोयल का 21 साल का बेटा लोकेंद्र लोडिंग गाड़ी में गेहूं भरकर बाइक से अग्रा से विजयपुर मंडी के लिए निकला था। इधर लोडिंग वाहन तो विजयपुर पहुंच गया लेकिन युवक नहीं पहुंचा। 2 घंटे बाद गेहूं की गाड़ी लाए चालक ने गल्ला व्यापारी को युवक के विजयपुर नहीं आने की खबर दी, जिसके बाद परिजन युवक की तलाश में निकले और जिन्हें गसवानी रोड पर युवक की बाइक सड़क किनारे लावारिस हालत में खड़ी मिली, जिसके बाद परिजन विजयपुर थाना पहुंचे और गुमशुदगी दर्ज कराई। तो वहीं युवक की खोजबीन के लिए SP आलोक कुमार सिंह ने 4 पुलिस पार्टी बनाई और साइबर सेल ने युवक की लोकेशन शिवपुरी के भानगढ़ इलाके में ट्रेस की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को खोज निकाला। युवक कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा है, जिसके चलते वो संदिग्ध परिस्थितियों में चला गया था। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग। कल जैसे ही सूचना शाम को 5 बजे 4 से 5 के बीच में मिली, तत्काल पुलिस ने विजयपुर थाना से पहुंच करके घटनास्थल का दौरा किया और हम सभी वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का दौरा किया और तत्काल पुलिस थाने विजयपुर में लोकेंद्र गोयल की गुमशुदगी दर्ज की गई और गुमशुदगी दर्ज करने पर से 3 या 4 टीम रवाना की गई। एक थाना प्रभारी आगरा के नेतृत्व में, थाना प्रभारी वीरपुर के नेतृत्व में और थाना प्रभारी विजयपुर के नेतृत्व में और सब इंस्पेक्टर श्यामजी के नेतृत्व में 4 टीम लगातार सर्चिंग कर रही, चारों तरफ इलाके की सर्चिंग किया। साइबर सेल की मदद ली गई और साइबर सेल की मदद से हम लोगों को लोकेशन ट्रेस हुआ। फिर हम लोगों ने वहाँ अपनी पुलिस पार्टी भेजी और शिवपुरी में भानगढ़ के पास से इसे बरामद किया गया, ठाकर ढाबे के पास, और फिर वहाँ से पुलिस पार्टी भेज करके और हम लोग इसको रिकवर किए हैं, बरामद कर लिए हैं। अभी इसका बयान लेकर इसके परिवार वालों को सौंपा जाएगा।